हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करते हैं। देखो यार, मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स की तो हर कोई बात करता है, और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हो चुका है, जिसमें लोग सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल बुक्स पढ़ पढ़ के सोचते हैं कि उन्हें कुछ लाइफ चेंजिंग ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ अनुभव एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। मैं भी इस कुएं के अंदर कूद चुका हूँ। ये राइटर्स जो क्लेम करते हैं कि वो लाइफ चेंज आपकी कर सकते हैं, मेरी बुक्स पढ़ोगे, तो ऐसे कई सारे राइटर्स हैं जो ये चीज़ क्लेम करते हैं, बट डोंट ट्रस्ट एवरीवन, बट स्टिल उन सेल्फ हेल्प बुक्स जो लोग सजेस्ट करते हैं, उनमें से मैंने कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, और जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, वन ऑफ द वेरी गुड बुक्स आज मेरे पास, मैंने अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स का पिटारा खोला है। सो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बुक जो है मेरे पास, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। ये जो बुक है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सबसे पहली बुक, सेल्फ हेल्प बुक है जो मैंने पढ़ी थी, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड बुक। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को कैसे एक्टिव रखना है, कैसे कैसे उसे अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए आप यूज कर सकते हो, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट्स के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड बुक। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हो, और डीपली कैसे वो फंक्शन करता है, तो इट्स अ वेरी गुड बुक, बाय डॉक्टर जोसेफ प्री बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, इट इज वर्थ रीड। सेकेंड बुक जो मैं बात करना चाहता हूँ, वो है नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल बहुत ही फेमस राइटर है, उन्होंने लॉज ऑफ सक्सेस और कई तरह की बुक्स लिखी है, पर थिंक एंड ग्रो रिच उनकी वन ऑफ वेरी सक्सेसफुल बुक्स है, और इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, और अपना काम करने के लिए अंदर से उत्सुक करेंगे। सो इट्स अ वेरी गुड बुक, आई थिंक इट्स वर्थ रीड। नेक्स्ट बुक जो मैं सजेस्ट करूंगा, ब्रायन ट्रेसी की गोल्स। अगर आप अपने लाइफ में गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे हो और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, ब्रायन ट्रेसी ने बहुत ही प्रैक्टिकल बुक लिखी है अबाउट गोल्स, सो इट्स ऑल्सो अ गुड रीड। नेक्स्ट हमारी बुक है डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, तब मैंने ये बुक पढ़ी थी, एंड आई थिंक इस बुक में जो लॉज हैं वो रियली फॉलो करने लायक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी एक बहुत ही अच्छे राइटर है, और वो ऐसी टाइप का मटीरियल लिखते हैं, सेल्फ हेल्प टाइप, सो आई थिंक इट्स वर्थ रीड। एंड नेक्स्ट जो डेल कार्नेगी की सेकेंड बुक जो मैं आपको रेफर करना चाहता हूँ, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये एक ऐसी बुक है, अगर आप अपने लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, काफ़ी कुछ दिक्कतों से गुजर रहे हो, सो ये एक ऐसी बुक है जो आपको एक होप और एक मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करेंगे, तो आपकी अनयूजुअल जो वरीज है, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। आई कैन बेट दैट दिस इज़ अ रियली प्रैक्टिकल बुक। अगली बुक जो मैं लाने जा रहा हूँ, वो है श्वेताब गैंगवर की, द रूडेस्ट बुक एवर। यस गाइस, श्वेताब गैंगवर हमारे मैन सूत्रा, मैंने ये बुक पढ़ी है, एंड आई थिंक इट्स रियली प्रैक्टिकल, और ये काफ़ी हमारे टाइम के लिए काफ़ी रेलेवेंट बुक है, द रूडेस्ट बुक एवर, इट्स वर्थ रीड। श्वेताब गैंगवर ने ये बुक लिखी है, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूथ बुक्स अभी इंडिया में, तो मैं कह सकता हूँ मैंने ऐसा कंटेंट इंडिया राइटर्स का नहीं पढ़ा था। श्वेताब गैंगवर भाई ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी है, सो इट्स ऑल्सो अ मस्ट रीड। और थोड़ा अगर मैं और भारी चीज़ों की बात करूँ, तो मैंने दीपक चोपड़ा की द री इन्वेंटिंग द बॉडी रेजरेक्टिंग द सोल। वैसे दीपक चोपड़ा काफ़ी स्पिरिचुअलिटीज़ के ऊपर बुक लिखते हैं, पर मैंने ये बुक पढ़ी और मुझे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, सो आई थिंक इट वॉज ऑल्सो अ गुड रीड। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्स और अपने गोल और एम्स इन लाइफ के बारे में और एक्सप्लोर करना चाहते हो, और उसके बारे में और चीज़ें देखना चाहते हो, तो इट वॉज अ वेरी गुड बुक, एंड आई इट्स ऑल्सो अ वर्थ रीड। और इनका नाम तो आपने काफ़ी सुना होगा, जॉर्डन पीटरसन साहब का 12 रूल्स, जॉर्डन पीटरसन की 12 रूल्स ऑफ लाइफ एंड एंटीडोट टू केओस। जॉर्डन पीटरसन साहब आजकल बहुत फेमस हैं, यूट्यूब पे भी उनका चैनल है, और हर जगह वो काफ़ी वर्ल्ड टूर कर रहे हैं इस बुक को प्रमोट करने के लिए। सो इस बुक को मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बुक। ये स्ट्रेट मोटिवेशन टाइप की बुक नहीं है, पर ये थोड़ी साइकोलॉजिकल है, जिसमें माइथोलॉजी और फिलॉसफी सब कुछ लिंक्ड है,
और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में उन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है इस बुक में, टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स करियर, टूवर्ड्स रिलेशनशिप। और भी बुक हैं जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ, तो वो भी मैंने पढ़ी थी और वो भी काफ़ी अच्छी बुक थी। एंड इट्स अबाउट प्रॉब्लम्स, हाउ टू एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स एंड हार्डशिप्स इन लाइफ दैट विल बेनिफिट यू, बाय मार्क मैनसन, वो बुक थी सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। यू नो, आप, मैं एफ का फुल फॉर्म नहीं बोलूँगा, आपको पता ही है। वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल थी और काफ़ी अच्छी बुक थी। सो ये थी मेरी लाइफ की कुछ बुक्स जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप रीड कर सकते हो। वैसे तो बुक शेल्फ और बड़ा है और अभी मैंने इन्हीं बुक्स को निकाली है। सो अभी के लिए तो मैं और भी आपको क्या कहते हैं बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, लाइक मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वेमेन आर फ्रॉम वीनस। ये एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेटिव बुक है, यू नो, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, जो उस बुक को मैं रीड कर रहा था। अगर आप कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, तो इट वॉज अ रियली नाइस बुक। मुझे उसके राइटर का इस टाइम नाम नहीं याद आ रहा है, बट मेन आर फ्रॉम मार्स वेमेन आर फ्रॉम वीनस, इट्स अ वर्थ रीड बाय John F. Gray. Yes, by John F. Gray, Men Are From Mars, Women Are From Venus. It's also a worth read. So guys, ये थी मेरी books, self-help books का collection. अगर आप कुछ suggest करना चाहे हो तो आप भी मुझे suggest कर सकते हो कि आपको इनमें से कौन सी book पसंद है, और अगर आप इस collection में और कुछ add करना चाहो तो आप भी मुझे बता सकते हो. Okay guys, thank you guys, lots of love. And guys, इस book की मैं बात कर रहा था, Men Are From Mars, Women Are From Venus by जॉन ग्रे साहब की ये बुक है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो बॉयज़ गर्ल्स, तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहते हो तो इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रीड। मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, इट्स रियली इफेक्टिव। आपके रिलेशनशिप इंप्रूव और आपकी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में ये काफ़ी हेल्प करेगी। ओके गाइज, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है।